में एक साल के कार्यकाल में टीम इंडिया को शानदार सफलता दिलाने वाले अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। कुंबले ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस्तीफा देने की वजह बताई। कुंबले ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोहली को उनकी कोचिंग स्टाइल पसंद नहीं थी, जिस वजह से हेड कोच बने रहने में कुछ दिक्कत थी। कुंबले ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी CAC ने हेड कोच के रूप में मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा। मैं इस विश्वास से सम्मानित महसूस करता हूं। पिछले एक साल की उपलब्धि का श्रेय कप्तान, पूरी टीम, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ को जाता है। इस जानकारी के बाद कल मुझे पहली बार BCCI ने बताया कि कप्तान को मेरे तरीके और हेड कोच बने रहने को लेकर दिक्कत। मैं इससे हैरान रह गया, क्योंकि मैंने हमेशा कप्तान और कोच की सीमाओं का सम्मान किया। हालांकि BCCI ने कप्तान और मेरे बीच की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह साफ है कि साझेदारी अस्थिर और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा आगे बढ़ जाना सही रहेगा। प्रोफेशनलिज्म, अनुशासन, समर्पण, ईमानदारी, अनुपूरक योग्यता और विविध विचारों को मैंने पेश किया। साझेदारी को प्रभावशाली होने के लिए इनकी जरूरत होती है। मैं कोच के रोल को आईना दिखाने वाले के रूप में देखता हूँ। इस तरह की समस्याओं में मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को किसी और को सौंप दिया जाए, जिसे CAC और BCCI उपयुक्त मानते हैं। गौरतलब है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से मतभेद के चलते अनिल कुंबले ने मंगलवार को हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। कुंबले ने अपने समर्थकों और फैंस को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।